हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल रिव्यूज़ मैटर में। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे डिवाइस का रिव्यू लेंगे जो एक मल्टी वाइटल हेल्थ मॉनिटरिंग डिवाइस है। दोस्तों, ये एक पोर्टेबल डिवाइस है जो कि कंपनी के क्लेम के हिसाब से 12 लीड ECG मेजर करता है, ब्लड प्रेशर मेजर करता है विदाउट द कफ, ये एक ऑक्सीमीटर की तरह एक्ट करता है और SpO2 मेजर करता है, हमारी हार्ट रेट पल्स रेट मेजर करता है और हमें एक कॉन्टैक्टलेस इंफ्रारेड टेम्परेचर थर्मामीटर की तरह भी एक फैसिलिटी देता है बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए। तो ये पांच चीज़ें ये सिंगल डिवाइस मेजर करता है। तो दोस्तों, हम इसका रिव्यू लेंगे, फुल डिटेल रिव्यू लेंगे और इसमें देखेंगे कि ये कैसे मेजर करता है और क्या इसकी एक्यूरेसी है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप एक हेल्थ कॉन्शियस पर्सन हैं, फिटनेस कॉन्शियस पर्सन हैं या फिर आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, कोई हार्ट प्रॉब्लम है या कोई भी कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम है, तो आपके लिए ये बहुत यूज़फुल हो सकता है। या अभी के सिनेरियो के अकॉर्डिंग अगर आप COVID-19 में होम क्वारंटीन में हैं तो आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकता है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए दोस्तों, करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो ये बहुत ही स्टैंडर्ड बॉक्स में आता है। तो दोस्तों, इसमें मिलते हैं कुछ यूजर मैनुअल्स जो इसकी मेजरमेंट के लिए यूज होंगे, एक वारंटी कार्ड मिलता है। ये प्रोडक्ट आता है 1 ईयर की बेसिक वारंटी के साथ। एक और यूजर मैनुअल है, इसको साइड पर रख देते हैं। दोस्तों, ये है वो डिवाइस जो मेजरमेंट करता है, बाकी इसमें और कुछ नहीं है। आइए दोस्तों, लेते हैं इसका फिजिकल ओवरव्यू। सबसे पहले टॉप साइड में संकेत लाइफ की ब्रांडिंग दी गई है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में एक सेंसर है जो लेफ्ट सेंसर है और एक राइट हैंड साइड में राइट सेंसर है। इसके बीच में एक पावर ऑन ऑफ बटन है जिससे आप इसको पावर ऑन या ऑफ कर सकते हैं। उसके साथ में एक LED इंडिकेटर है जो इसको बताता है कि एक्टिव स्टेट में है कि नहीं। उसके साथ एक SpO2 कम ब्लड प्रेशर सेंसर है जिससे आप इसको एक ऑक्सीमीटर या ब्लड प्रेशर मेजरिंग डिवाइस की तरह यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, इसके टॉप एंड में एक कॉन्टैक्टलेस इंफ्रारेड टेम्परेचर के लिए एक सेंसर बना हुआ है जिससे आप अपना टेम्परेचर भी ले सकते हो और एक ECG सेंसर है, साथ में ऑडियो पोर्ट है। ये ऑडियो पोर्ट तब यूज़ में आता है जब आप 12 लीड ECG मशीन के साथ इसको कनेक्ट करते हैं। इसके बैक एंड में कुछ नहीं है और इसके बॉटम में एक की चेन के लिए स्पेस दिया गया है जिससे आप इसको किसी भी की चेन के साथ अटैच कर सकते हो। तो ये रहा इसका फिज़िकल ओवरव्यू। अब इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं। तो इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही स्टर्डी है। आप इसको हाथ में लेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसमें बहुत प्रीमियम मटेरियल का यूज़ किया गया और ये बहुत आसानी से डैमेज नहीं होने वाली है और काफ़ी ड्यूरेबल है। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि SpO2 रीडिंग कैसे लेते हैं इस डिवाइस से। सबसे पहले हम इसको ऑन करेंगे, तो इसके लिए पावर ऑन बटन को हम एक बार प्रेस करेंगे तो LED इंडिकेटर लाइट अप हो जाएगा। उसके बाद SpO2 टैब में जाना है
और उसको एक बार क्लिक करना है तो डिवाइस मोबाइल से कनेक्ट होगी। तो दोस्तों कनेक्ट होने के बाद आपको अपनी इंडेक्स फिंगर को SPO2 सेंसर में रखना है तो डिवाइस ये मेजर करने लग जाएगा और ये रही आपकी SPO2 की रीडिंग। तो ये रियल टाइम रीडिंग होगी जो विद इन अ सेकेंड चेंज होती रहेगी। तो अभी जैसे 97% है ऐसे अब 98% है तो 3-4 सेकेंड में ये एक बार मेजर करता है। तो ये था कि आपको कैसे ऑक्सीमीटर की तरह ये यूज़ करना है। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि ब्लड प्रेशर कैसे मेजर होता है इस डिवाइस से। तो सबसे पहले हम इसको ऑन करेंगे, उसके बाद ब्लड प्रेशर टैब में जाएंगे और उसको प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे ये पूछेगा हमसे कि पिछले 30 डेज़ में हमने कोई मेजरमेंट ली है, तो अगर आपने ली हो तो आप उसमें एंटर कर सकते हैं। तो अभी मैं एंटर कर देता हूँ, मेरी रीडिंग थी 115-75। कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद हमें जो ब्लड प्रेशर सेंसर है उस पर हमें इंडेक्स फिंगर रखना है तो ये ब्लड प्रेशर को मेजर करना स्टार्ट कर देगा। तो ये हमारे ब्लड प्रेशर की रीडिंग है, तो कुछ टाइम बाद ये कांस्टेंट हो जाएगी तो वो हमारी फाइनल रीडिंग आएगी। तो ये दोस्तों ये हमारी फाइनल रीडिंग जो आई है वो है 117-77। अब दोस्तों मैं इसको कंपेयर करता हूँ जो ओमरॉन का ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आता है उससे, और फिर मैं आपको बताऊँगा कि रिज़ल्ट क्या है। दोस्तों इस रीडिंग को हम कंपेयर कर लेते हैं ओमरॉन के ब्लड प्रेशर मशीन से तो हमें पता लग जाएगा ये कितनी एक्यूरेट है। हम स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों ये हमारी रीडिंग है, तो ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम में ये 113 आ रहा है और हमारी डिवाइस में 117 आ रहा है, और नीचे का 76 आ रहा है और हमारी डिवाइस में 77 आ रहा है। तो काफ़ी एक्यूरेट है और रिलायबल भी है, और आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने डे टू डे बीपी की मॉनिटरिंग के लिए। और ये मैं चार्ट आपको सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ जिससे आप उसको मॉनिटर कर सकते हो। दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि ECG कैसे मेजर करना है आपने इससे। सबसे पहले आपको ECG टैब में जाना है, तो दो ऑप्शन होंगे वहाँ पे, स्टैंडर्ड 12 LED ECG या फिर स्टैंडर्ड 12 LED ECG विद स्विच सिस्टम। तो दोस्तों अगर आपके पास कोई स्विच सिस्टम है तो आप इसमें अटैच करके लीड के थ्रू अपनी ECG मेजर कर सकते हो, लेकिन अभी हम मेजर करेंगे विदाउट लीड। तो हम फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले L1 मेजर करेंगे। तो L1 मेजर करने के लिए हम स्टार्ट बटन प्रेस करेंगे और इसको हम लैंडस्केप पे ले आएंगे। तो दोस्तों आपने दोनों सेंसर पे अपना हाथ रखना है, लेफ्ट और राइट सेंसर में, और उसको होल्ड करना है तो आपकी L1 ECG की रीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों ये L1 की कंप्लीट हो गई है और LEAD2 की एज़ पर इंस्ट्रक्शन आपको रीडिंग लेनी है। ऐसे करके आपको 6 रीडिंग लेनी है।
दोस्तों रीडिंग लेने के बाद आपने अपनी प्रोफाइल सिलेक्ट करनी है, और अगर आपको कोई सिम्टम्स है हार्ट रिलेटेड तो आपने वो सिलेक्ट करने हैं। तो अभी मैं सिलेक्ट करता हूँ एक ऑप्शन और हम आगे बढ़ते हैं। तो ये बताएगा हमारे हार्ट रेट, और साथ में हम इसमें फुल रिपोर्ट भी ले सकते हैं अपनी ECG की, जो कि PDF फॉर्मेट में अवेलेबल होगी। इस रिपोर्ट में 6 लीड ECG पूरी आएगी, और ये रिपोर्ट हम किसी भी डॉक्टर को भेज सकते हैं PDF फॉर्मेट में अपनी मेल ID से। तो दोस्तों इतना आसान है एक ECG रिपोर्ट लेना इस डिवाइस से। दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि इससे बॉडी टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं। सबसे पहले हम डिवाइस को ऑन करेंगे, उसके बाद हम ऐप में जाके टेम्परेचर टैब पे क्लिक करेंगे। जब हम टेम्परेचर टैब पे क्लिक करेंगे तो ये डिवाइस मोबाइल से कनेक्ट होगी, इसके बाद हम टेम्परेचर मेजर करेंगे। तो दोस्तों हमने इसमें एक ख्याल रखना है कि जो फेस है वो डिवाइस से परपेंडिकुलर हो और 3 to 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस इसमें मेंटेन हो, तो ये हमारे को मेजरमेंट देगा टेम्परेचर की। तो दोस्तों ये आई है मेजरमेंट टेम्परेचर की, तो है 98.95 डिग्री।